क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। यानी कि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि हमें एक कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस वगैरह दिए हैं, उन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, ठीक है। तो हर बार उन्होंने अच्छा वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमारे पास में कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह होनी चाहिए। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के वॉल्यूम का जो है वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रेक्टेंगल जो है बेसिकली रेक्टेंगल क्या है, इस तरह से जिसकी एक लेंथ होती है और उसकी एक ब्रेथ होती है, ठीक है। ये 2D फिगर है, 2D फिगर का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल। 2D फिगर का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल। इसकी एक ब्रेथ होती है और जो एक लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बोला है खाली, उन्होंने बोला है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको किस तरह से दिखेंगे, इस तरह से कुछ होगा। अब सबसे पहले एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस तरह से आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ठीक है, इस तरह तो इसकी क्या होगी, इसकी एक जो है ब्रेथ भी होगी, यहाँ पे दिस इज दी ब्रेथ, ये जो है दैट इज दी लेंथ, और ये जो टॉप टू बॉटम है दैट इज दी हाइट। तो एक्चुअली इसको हम 3D फिगर बोलते हैं, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन मतलब उसकी एक डायमेंशन लेंथ होगी, दूसरी डायमेंशन ब्रेथ होगी और तीसरी जो है हाइट होगी। तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि रेक्टेंगल की बात हो रही है और लेंथ और ब्रेथ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन हाइट कहाँ से आई, तो रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की बात हो रही है। और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो है 3D फिगर होता है, और वो 3D फिगर को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। तो इस केस में हमें इन शॉर्ट दिमाग में याद रखना है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, तो वो अभी हम लिख देंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। उन्होंने कुछ क्वांटिटीज बताई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो देखो यहाँ पे उन्होंने रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा है, लेंथ। तो सबसे पहली क्वांटिटी आपको लेंथ दे रखी है, उसके बाद में लिखा है क्वेश्चन में ब्रेथ, दैट मींस उसके बाद में जो क्वांटिटी है दैट इज द ब्रेथ, और तीसरा वर्ड क्या है हमारा, दैट इज हाइट, राइट। तो थर्ड क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखी है, हाइट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसे जैसे वर्ड का उन्होंने यूज किया है वैसे वैसे वहां पे उसी ऑर्डर में उन्होंने क्वांटिटीज दे रखी है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करें ना, तो उससे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट इज किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड। शेप कैसा है, क्यूबॉइड, 3D फिगर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ये सामी नहीं आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता चल गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब एक एक करके हम लेते जाएंगे, सबसे पहला जो है यहाँ पे हमने ले रखा है सोल्यूशन वन, ठीक है। तो उसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो उसी तरीके से हम ऑर्डर में लिख देंगे, लेंथ कितना है 5a, ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है, और हाइट दैट इज इक्वल टू 7a रेज टू 4। देयरफॉर फाइनली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज 5a into 3a square into 7a raised to 4। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई 7 into 3 into 5 यू विल गेट 105, और 8 into a square into a raised to 4 यू विल गेट a raised to 6 plus 1 a raised to 7, a raised to 4 and a raised to 2, that you will get a raised to 6, and here again a, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a raised to 7 आपका आंसर जो है आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी सेकंड नंबर, तो यहां पे अगेन वही चीज लिखेंगे, लेंथ क्या है 2
ब्रेथ कितना है 4 क्यू, और फिर हाइट, हाइट कितनी है दैट इज 8 आर। फाइनली क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पी इंटू 4 क्यू इंटू 8 आर, तो दैट विल गिव यू 8 फोर आर 32, 32 इंटू 2 यू विल गेट 64, ओके, पी इंटू क्यू इंटू आर, तो यू विल गेट पी क्यू आर, ठीक है, तो ये हो गया, राइट। अब इस केस में स्टूडेंट्स हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब वॉल्यूम लिखेंगे लेंथ का कुछ यूनिट होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ मेंशन उन्होंने कर नहीं रखा है, तो लेंथ का भी कुछ यूनिट होगा, ब्रेथ का भी कुछ यूनिट होगा और हाइट का भी कुछ यूनिट होगा, तीनों तीन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो तीनों तीन यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगे, तो फाइनली जो है इसका यूनिट क्या हो जाएगा 105 ए रेज टू 7 यूनिट क्यूब, आपको ये लिखना पड़ेगा यूनिट क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये उसका यूनिट है, अगर सेंटीमीटर में दे रखी है उन्होंने लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट को उन्होंने मीटर में दे रखा है तो फिर मीटर क्यूब, आपको वो यूनिट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आंसर में, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, यहां पर भी यूनिट क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लिखा नहीं इसलिए हमने लिख दिया सिंपली यूनिट क्यूब, ठीक है, ओके। उसी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम रोमन नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स हम एक एक करके मेंशन कर देंगे कि इसमें से कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है और कौन सी हाइट है, और फिर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेंथ इज इक्वल टू एक्स वाई, ब्रेथ इज इक्वल टू 2x2y और हाइट इज इक्वल टू 2xy2। अब सीधे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पूरा आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर्मूला होता था, तो एक्स वाई इंटू 2x2y इंटू 2xy2। अब देखो आंसर क्या होगा, न्यूमेरिकल जो है वो आप देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4 आंसर आया। x कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे x है इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे खाली x है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे वापस पावर 1 है, सो मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो पावर जो है एड हो जाते हैं, तो एक्स रेज टू 4, वैसे ही y रेज टू 1 है, y रेज टू 1 है, यहाँ पे y रेज टू 2 है, तो यहाँ पे भी पावर एड हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो y रेज टू 4 आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आया 4, x रेज टू 4, y रेज टू 4, और क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, यूनिट कुछ भी नहीं दे रखा है, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते, मीटर होता तो मीटर क्यूब लिखते, कुछ भी यूनिट नहीं है, तो सिंपली आप लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं तो आप लिख सकते हो यूनिट क्यूब, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव, यहां पर भी लेंथ क्या है ए, ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 2 बी, और हाइट, हाइट कितनी है 3 सी, वॉल्यूम देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू ए इंटू 2 बी इंटू 3 सी, ठीक है, तो इस केस में न्यूमेरिकल कौन सी क्वांटिटी, यहाँ पे 2 है कॉन्स्टेंट और यहाँ पे 3 है, तो 3 टू जा 6 लिख देंगे, फिर ए इंटू बी इंटू सी, तो यू विल गेट ए बी सी, ठीक है, यूनिट क्यूब, ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, 5 पे बोल रहे हैं ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, अगेन प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कुछ यहाँ पे मोनोमियर्स दे रखे हैं, उन मोनोमियर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अब तक हम काफी सारे मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं स्टूडेंट, तो अब थोड़ी सी स्पीड आपकी बन जानी चाहिए, तो ये सारे के सारे जो मोनोमियर आपको दे रखे हैं इनको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो एक्स वाई इंटू वाई जेड
इनटू जेड एक्स, ठीक है, तो दैट विल गिव यू, देखो यहाँ पे एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एक्स इंटू एक्स यानी कि ये जो एक जैसे वेरिएबल्स है ना, ये मल्टीप्लाई होकर के इनका पावर जो है बढ़ जाता है, जब भी x into x होता है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x raise to 2, y into y, y raise to 2, z into z, you will get z raise to 2, या z square, आ गया आंसर, it's very simple. Next, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, a into minus a square, इंटू ए क्यूब, तो देखो हर जगह आपको एक ही तरह का वेरिएबल दिख रहा है, सब जगह पे ए ही दिख रहा है, और माइनस साइन है तो वहां पे आपको सबसे पहले माइनस लगा ही देना है, ठीक है, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो उनके पावर एड होके 3 + 2 = 5 हो जाएगा, ठीक है, अगेन यू हैव ए रेस टू 1, तो टोटल ए रेस टू पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन. थर्ड में देखो, सबसे पहले लिख देते हैं 2 इंटू 4y into 8y square into 16y cube, ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे कोएफिशिएंट या कांस्टेंट बोलो, इनको सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो यहाँ पे 2 into 4 into 8 into 16, तो देखो हम सबसे पहले किस तरह से सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 8 जो है वो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा 8 into 2, you will get 16. अच्छा, यहाँ पे already 16 है, ठीक है, तो 16 2 times आ रहा है, that means 16 into 16, यानी कि 16 का square हुआ, और 16 का square तो हमें already मालूम होता है ना, 16 का square, that means 16 into 16, you will get 256, ठीक है, सबको आपको कम से कम ना 20 या 30 तक आपके सभी numbers के square आपको याद होने चाहिए, बचा कौन सा number 4, तो जब 256 को हम 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो फाइनली यू विल गेट 1024, ठीक है, आप करके देख लेना, तो नंबर आपको क्या मिला है यहाँ पे 1024. अब वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं, सारे के सारे वेरिएबल एक जैसे हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, और यहाँ पे y क्यूब है, तो क्या करना है, जब ये वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो इनके सभी के पावर एड हो जाएंगे, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो सभी एड होकर के जो है यू विल गेट y रेज टू 6, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन के बारे में आंसर है. क्वेश्चन 5 में हम रोमन नंबर 4 पे आ रहे हैं, अगेन मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सभी नंबर्स को हम सभी एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख देंगे, a into 2b into 3c into 6abc. देखो स्टूडेंट क्या किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, जो नंबर्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, 6 2 12 12 3 36, ठीक है, नाउ a into a ट्वाइस आ रहा है, a स्क्वायर, b into b तो b स्क्वायर, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, c into c, c स्क्वायर, तो आंसर आया 36, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, अगेन रोमन नंबर 5, m into minus m n into m n p. देखो सबसे पहले माइनस साइन आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में, माइनस आ जाएगा, नेक्स्ट m कितनी बार आ रहा है, m into m into m, that means m cube, ठीक है, फिर n into n twice आ रहा है, तो n square, लास्ट में p, फाइनल आंसर आपका क्या आया, that is minus m cube n square p. ओके स्टूडेंट, तो 9.2 एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट कर दी है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो है न्यू टर्म जो है चीजें पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे जो है हम 9.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी फेयर बुक उसी तरह से मेंटेन करिए जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे सम्स दिखा रहा हूँ, और रिटर्न का जितना भी मटेरियल है मैं आपको सेंड करते रहता हूँ, उसी फॉर्मेट में आपको जो है अपनी क्लास वर्क यानी कि जो फेयर नोटबुक है वो आपको मेंटेन रखनी है. रिमेंबर क्वेश्चंस जो है आपको ब्लैक कलर से लिखने हैं, ब्लैक कलर के पेन से, और जो है आपको आंसर्स जो है वो ब्लू इंक वाले पेन से जो आपको लिखना है. प्रैक्टिस करते रहिए, टिल देन टेक केयर, बाय.